हेलो फ्रेंड, मैं शिशिर शर्मा। आज रिएक्ट जीएस इंटरव्यू क्वेश्चंस पे सेशन नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मेरे सामने कुछ रिएक्ट जीएस के इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि इस टाइम रिएक्ट जेस के इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, अब मैं अपने वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। मेरे सामने पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज सीमेंटी यूआई? ये सीमेंटी यूआई होता क्या है? देखिए, सीमेंटी यूआई क्या होता है, वो हम रिएक्ट जेस का जो पेज बनाते हैं ना, मतलब कंपोनेंट बनाते हैं, कंपोनेंट के अंदर क्या होता है, एचटीएमएल होता है, तो उसी को बनाने में हम ये यूआई यूज़ करते हैं। मतलब HTML बना के भी आप कंपोनेंट बना सकते हैं, बट आप अगर सीमेंटी UI का यूज़ करते हैं तो वो उससे थोड़ा आप फास्ट बना सकते हैं, इजीली बना सकते हैं, आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे आपको प्रोग्रेस बार बनाना है, बहुत इजीली बना लेंगे। बटन्स हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स लगानी है, बहुत इजीली कर सकते हैं। तो बहुत सारी, मतलब जैसे आप इसको सीमेंटी UI को आप जैसे नॉर्मल HTML ही समझिए। तो जैसे HTML से हम लोग पेज बनाते हैं, वैसे सीमेंटी UI से भी वही काम करते हैं। तो ये सब क्या है, रिएक्ट जेस की UI लाइब्रेरी हैं। ये बहुत सारी होती हैं, आप गूगल पे जाकर सर्च अगर करेंगे रिएक्ट जेस UI लाइब्रेरी या रिएक्ट UI लाइब्रेरी, आपको बहुत सारी मिलेंगी। तो मैंने आपके सामने कुछ UI लाइब्रेरी के नाम भी दिए हैं, जैसे मटेरियल UI, इसका भी बहुत यूज़ होता है। एंड डिज़ाइन आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, एंड डिज़ाइन बहुत से लोग एंड डिज़ाइन यूज़ करके रिएक्ट के पेज बना रहे हैं, UI बना रहे हैं। और ये फ्लंट UI है, रिएक्ट बूटस्ट्रैप है, रिडेक्स है, सीमेंटिक UI है, ये सब है। और भी बहुत सारी UI होती हैं, तो इसमें आपके कई क्वेश्चन बन सकते हैं। कोई ये भी पूछ सकता है कि एंड डिज़ाइन क्या हो सकता है, तो आप ऐसे बता सकते हैं कि सर, एंड डिज़ाइन का यूज़ जो होता है वो HTML का पेज बनाने के लिए यूज़ हम लोग करते हैं। बहुत फास्ट होता है, इजीली हम लोग बना लेते हैं, उसमें बहुत सारे रेडीमेड बटन्स हैं, प्रोग्रेस बार्स हैं, लेवल हैं, ठीक है, तो बहुत कुछ होता है। और अब फिलहाल यहाँ पे मैंने वीडियो में सीमेंटी UI के बारे में बताया है। तो सीमेंटी UI कैसे इंस्टॉल करते हैं NPM के थ्रू, मैंने वो कमांड लिखी हुई है। अगर आपको एंड डिज़ाइन करना है तो आप एंड डिज़ाइन भी कर सकते हैं, ठीक है, मतलब लगभग सब एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द आउटपुट? ऐसा भी कई बार इंटरव्यू में एक कोई कोड दे देते हैं छोटा सा और कहते हैं इसका आउटपुट बताइए। ज़रूरी नहीं है यही पूछा जाएगा, ये तो जस्ट मैंने आपके लिए आइडिया के लिए बताया कि इस टाइप से कुछ पूछे जाते हैं। बट ये जो है, ये रियल क्वेश्चन है, ये किसी के इंटरव्यू में पूछा गया है, वहीं से मैंने लिया हुआ है, किसी ने मुझे बताया था, मैंने किसी से पूछा था, ये वो रियल इंटरव्यू का क्वेश्चन है। तो फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने एक एरे क्रिएट किया है। एरे में वैल्यू है 2, 3, 5। अब पहली लाइन में कंसोल डॉट लॉग एरे किया, तो ये एरे की नॉर्मल वैल्यू प्रिंट कर देगा। दूसरी लाइन में मैंने क्या किया, ट्रिपल डॉट कर दिया है, तो क्या हुआ, आप आउटपुट देखेंगे तो भी वैल्यू प्रिंट हुई, बट उसने क्या किया, एरे को अनपैक कर दिया, मतलब एरे से हटा के वैल्यू को बाहर कर दिया, इसका मतलब ये हुआ। और तीसरी लाइन में क्या किया, मैंने उस एरे को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। किसमें? ऑब्जेक्ट में, मतलब जेसन ऑब्जेक्ट में। तो तीसरी लाइन में जेसन ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा है। बड़ी छोटी छोटी चीज़, बट कई बार लोग भूल जाते हैं, तो इस टाइप का भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज जावास्क्रिप्ट मैप? ठीक है, जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे फंक्शन होते हैं, उसमें से एक मैप है, बहुत कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं। मतलब रिएक्ट का प्रोजेक्ट हो की अगर बात आएगी तो उसमें ये देखिएगा, मैप ज़रूर यूज़ करा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्क्रीन पे लिखा है, मैप क्या होता है, क्रिएट न्यू एरे फ्रॉम कॉलिंग ए फंक्शन फॉर एवरी एरे एलिमेंट। मतलब यहाँ पे क्या करता है, वो एक नया एरे क्रिएट कर लेता है, यहाँ पे ये दिखा रहे हैं, ठीक है। मतलब अब देखिए मैंने क्या लिखा है, कॉन्स्ट इनपुट 24, 45, 67, ये एक एरे है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एरे को ही प्रिंट कर रहा हूँ, बट एक एरे से भी एक नया एरे बन रहा है। ये हुआ, ये इनपुट डॉट मैप किया, एरे बन रहा है, एरे भी बनता जा रहा है और ये प्रिंट हो रहा है, ये हो रहा है। तो अगर पूछें कि मैप का क्या यूज़ होता है, तो आप बता सकते हैं कि एरे की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, और ये एक नया एरे बना के प्रिंट करता है।
नेक्स्ट, जावास्क्रिप्ट फिल्टर, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है। अब इसमें भी आप देख सकते हैं फिल्टर क्या होता है। देखिए ये भी क्रिएट ए न्यू एरे, ये भी एक नया एरे क्रिएट करता है। यहाँ पे क्या लिखा है, एक मैंने एरे बनाया, एरे मैंने चार वैल्यू डाली हुई हैं और इनपुट डॉट फिल्टर लगाया और उस के अंदर ये देखिए मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने एक एरो फंक्शन बनाया है। इसके अंदर क्या हो रहा है, जो वैल्यू है यानी कि 24 पहले वैल्यू यहाँ आएगी, जैसे मैप, जैसे अभी मैप चला रहे थे उसमें भी वैल्यू ट्रैवर्स हो रही थी, मतलब एक एक वैल्यू पे हम जा रहे थे, यहाँ पर भी लगभग वैसे ही हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वैल्यू जाती है, वैल्यू को दिखाया, डिवाइड बाय 2 करा, ठीक है, रिटर्न वैल्यू कर दिया। अगर ये वैल्यू 24 2 से डिवाइड हो गई तो ये रिटर्न करेगा, और 45 डिवाइड नहीं होगी तो 45 रिटर्न नहीं करेगा। इस तरीके से दो ही वैल्यू ऐसी होंगी जो वो रिटर्न करेगा, वो आप इवन इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। आप इसको प्रिंट करके देख सकते हैं, मतलब हम ये समझ सकते हैं कि फिल्टर का काम क्या होता है। एरे के अंदर कुछ वैल्यूज पड़ी हैं और आपने एक फंक्शंस के थ्रू उसको फिल्टर करके बाहर निकाल लिया, ठीक है, यहाँ पे हो रहा है। और फिर मैंने इसको क्या किया, इस देखिए इवन वेरिएबल को हमने यहाँ पे मैप लगा के प्रिंट कर लिया, जैसे मैप फंक्शन आया वैसे प्रिंट कर लिया, ठीक है। लोकल स्टोरेज, ये बहुत, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है रिएक्ट जेएस में, मतलब यूज़ तो लगभग मैंने जितनी चीज़ें बताई वो सभी यूज़ होती है, मतलब लोकल स्टोरेज का यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मतलब इसका यूज़ होता है, मतलब ऐसा समझ लीजिए लॉगिन की स्क्रिप्ट में या कोई शॉपिंग कार्ट का प्रोजेक्ट बनाएंगे वहाँ यूज़ होता है। तो लोकल स्टोरेज होता क्या है, लोकल स्टोरेज के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपनी वैल्यू को सेव कराते हैं ब्राउज़र पे। लोकल स्टोरेज अलाउ यू टू सेव वैल्यू इन द ब्राउज़र, लोकल स्टोरेज के थ्रू हम अपने ब्राउज़र पे वैल्यू को सेव कराते हैं। राइट क्लिक इंस्पेक्ट एलिमेंट, आप ब्राउज़र में जाना, क्रोम में चले जाइएगा, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करिएगा क्रोम में, वहाँ एक एप्लीकेशन टैब होगा, उसके अंदर जाएंगे आपको लोकल स्टोरेज नज़र आ जाएगा। लोकल स्टोरेज हैज़ नो एक्सपायरी डेट, लोकल स्टोरेज का कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है, ठीक है। व्हेन ब्राउज़र क्लोज नो डेटा इज डिलीटेड, ब्राउज़र क्लोज करोगे तो भी डेटा डिलीट नहीं होता है। अब लोकल स्टोरेज को बनाते कैसे हैं, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, इसका एक मेथड होता है और ये आपके लोकल स्टोरेज वेरिएबल का नाम हो गया, ये उसकी वैल्यू हो गई, और गेट आइटम के थ्रू हमने उसे प्रिंट कर दिया, रिमूव आइटम के थ्रू हमने उस लोकल स्टोरेज वेरिएबल का नाम डाला उसको रिमूव कर दिया। क्लियर करेंगे, अब यहाँ से रिमूव आइटम से क्या होगा, वो पर्टिकुलर एक ही लोकल वेरिएबल डिलीट होगा। अगर आपने बहुत सारे लोकल वेरिएबल बना रखे हैं तो डॉट क्लियर करेंगे तो सारे के सारे डिलीट कर देगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा रिएक्ट जेएस के इंटरव्यू क्वेश्चंस, और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। और अगर आपके माइंड में भी कोई इंटरव्यू क्वेश्चन है तो आप कमेंट के थ्रू ज़रूर मुझे दीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो रियल इंटरव्यू क्वेश्चन है जो इस टाइम मार्केट में लोगों से पूछे आ रहे हैं वो सब लोगों तक पहुँच सके। तो आप मेरा वीडियो देखिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करिएगा, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और एक बेल आइकन होता है उसे अगर प्रेस करेंगे तो वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे आपको। और आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है उसे कमेंट के थ्रू ज़रूर दीजिएगा, उस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो दोस्तों आज का वीडियो फिनिश होता है, धन्यवाद, बाय बाय।